हेलो फ्रेंड्स, मिशन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देंगे। यह इस YouTube चैनल का दूसरा वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय पार्ट टू देखेंगे। आज हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय में हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कंप्यूटर विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान को, ये जो कंप्यूटर है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आता है हार्डवेयर, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। सबसे पहले जो होता है इनपुट डाटा और आउटपुट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो होता है इनपुट, इनपुट डाटा। कंप्यूटर में हम इनपुट भेजते हैं, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट यानी कि इनपुट डाटा यानी निवेश करते हैं। फिर कंप्यूटर क्या है, प्रोसेसिंग करता है और वो हमें आउटपुट इन्फॉर्मेशन देता है। हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर के मशीनी पुर्जों को कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। इनको निम्नलिखित भागों में समझा जा सकता है। कंप्यूटर के जो मशीनी पुर्जे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब देखते हैं कंप्यूटर के इन भागों को हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। पहला है इनपुट इकाइयाँ। सबसे पहले आती हैं इनपुट इकाइयाँ, इनपुट यूनिट्स। दूसरी आती हैं आउटपुट इकाइयाँ और तीसरी आती है प्रोसेसिंग इकाइयाँ, आउटपुट यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो कंप्यूटर को तीन भागों में, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उनको तीन भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आता है इनपुट, दूसरा आता है आउटपुट और तीसरा आता है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर में स्मृतियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कंप्यूटर का संपूर्ण डिज़ाइन उसकी स्मृति पर निर्भर करता है। अब कंप्यूटर जो जिसमें मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि CPU एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंप्यूटर का जितना भी डिज़ाइन है वह सब मेमोरी यानी कि CPU पर निर्भर करता है। कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। अब चूंकि हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक स्मृति, दूसरा है द्वितीय स्मृति। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता सकते हो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या तो फिर प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। और कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। नाम है इनपुट इकाइयाँ, आउटपुट इकाइयाँ और प्रोसेसिंग इकाइयाँ। वही मेमोरी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक स्मृति और द्वितीय स्मृति। अब हम जानेंगे प्राथमिक स्मृति के बारे में। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी की। यह कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति के रूप में अपना कार्य करती है। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है यह अस्थायी होती है। कई बार पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, यह जो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है, मेमोरी नहीं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, यह अस्थायी स्मृति के रूप में अपना कार्य करती है। यह CPU की आंतरिक स्मृति कहलाती है। प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, यह CPU की आंतरिक स्मृति यानी इंटरनल मेमोरी कहलाती है, क्योंकि CPU अपने आदेशों को सीधे
डायरेक्ट स्मृति में भेज कर चला सकता है। अब सीपीयू क्या करता है कि अपनी जो प्राइमरी मेमोरी है, सीपीयू की जो आंतरिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी है कहलाती है, और सीपीयू क्या करता है कि इस प्राइमरी मेमोरी में अपने आदेशों को भेज कर इस स्मृति में भेज कर वह चला सकता है। अब प्राइमरी मेमोरी यह भी दो प्रकार की होती है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है RAM और दूसरा है ROM, रैम और रोम। ये दो मेमोरियाँ होती हैं। कई बार कंपिटिशन एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, रैम और रोम की फुल फॉर्म। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी फुल फॉर्म है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति है इसकी दो इकाइयां हैं, दो भाग हैं, दो प्रकार हैं। वह पहला है रैम और दूसरा है रोम। द्वितीय मेमोरी देखते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की वह भी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यह कंप्यूटर की स्थायी स्मृति के रूप में अपना कार्य करती है। अब जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में यह भेद बताया गया है, आप अपना भेद भी बता सकते हैं कि इनको अलग अलग बताइए। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी जो है वह अस्थायी रूप में कार्य करती है, और वही सेकेंडरी मेमोरी स्थायी स्मृति के रूप में अपना कार्य करती है। आगे देखते हैं, द्वितीय स्मृति जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, यह CPU की बाह्य स्मृति यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। वहीं जो प्राथमिक जो स्मृति है वह तो इंटरनल मेमोरी, और द्वितीय स्मृति है यह CPU की बाह्य यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, यह तीन उदाहरण दिए गए हैं इसके लिए, मैग्नेटिकल टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। आगे देखते हैं, कई तरह के CPU बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें इससे कुछ निम्न हैं। अब जैसे कि CPU यानी कि कंप्यूटर के मस्तिष्क के बारे में यदि हम बात करें, तो आजकल बाजार में कई तरह के CPU चल गए हैं, जिसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। MMX, इंटेल पेटीएम, पेटीएम MMX, इंटेल पेटीएम प्रो, इंटेल पेटीएम सेकेंड, इंटेल पेटीएम थर्ड, इंटेल डेस्ट्यूट्स, AMD K5, AMD K6, साइरिक्स मीडिया GX, साइरिक्स 6x86 और साइरिक्स M2। इस तरह के जो कंप्यूटर CPU है वह बाजारों में उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटरों में कई भाषाएं काम में लाई जा सकती हैं, परंतु हम इनका अध्ययन दो समूहों में करेंगे। कंप्यूटर में जो है कई भाषाएं काम में लाई जा सकती हैं, भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेजेस आती हैं वह निम्न स्तर की भाषाएँ भी आती हैं और उच्च स्तर की भाषाएँ भी आती हैं। सो लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। आगे देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास की पीढ़ियाँ। अब इसमें पीढ़ियाँ भी बताई गई हैं। प्रोग्रामिंग जो भाषाएं होती हैं, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्रथम पीढ़ी की यदि हम बात करें, तो प्रथम पीढ़ी इसमें मशीनी भाषा 01 का उपयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी की यदि हम बात करें, तो इस पीढ़ी में असेंबली भाषा लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाने लगी। ये जो कंप्यूटर की पीढ़ियां बताई गई हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो जैसा कि हमें बताया गया है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की, प्रथम पीढ़ी है इसमें हम मशीनी भाषा 01 का उपयोग किया गया है, और द्वितीय पीढ़ी में, इस पीढ़ी में असेंबली भाषा के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाने लगी। तृतीय पीढ़ी की यदि हम बात करें, थर्ड जनरेशन की, इसमें कोबोल, पास्कल एंड बेसिक
जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास इस पीढ़ी में हुआ। ये तीन भाषाएं इसमें हैं, कोबोल, पास्कल और बेसिक्स। ये तीन भाषाएं इस पीढ़ी का जो उच्च स्तरीय विकास है वह द्वितीय पीढ़ी में हुआ। और यह भी कंपिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि कोबोल, पास्कल और बेसिक यह किस पीढ़ी की भाषाएँ हैं, या फिर ये निम्न स्तरीय या फिर उच्च स्तरीय है। अगला है चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। तो इस पीढ़ी में नॉन प्रोसीड्यूरल भाषाओं का विकास हुआ था तथा DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणा आई, जैसे कि फॉक्स प्रो एंड ओरेकल आदि। जैसे कि कई बार DBMS की फुल फॉर्म पूछ ली जाए हमसे, DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना है कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमें तीन फुल फॉर्म पता चली है इस वीडियो में, हमें रैम, रोम एंड DBMS। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी, और DBMS की है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।